भाई DDU में क्लासेस वगैरह शुरू करा दी हैं टाइम से, और कोर्स कंप्लीट कराने का जिम्मा उनका थोड़ी ना है। वो कभी कहते ही नहीं है कि हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, कभी नहीं कहते हैं। वो जितना पढ़ा दिए, बाकी आप जाने आपका काम जाने, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम से ही होगा, और ठीक है, हम कहते हैं अपनी तैयारी रखिए, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ तो आपको रिविज़न का मौका मिल गया। क्यों लटका के रखना, लटका के रखें और हो गया तब तो ज़्यादा बेनिफिशियल। कंडीशन ये है कि पढ़ करके रखिए, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अपना कोर्स कंप्लीट करा लीजिए, जिसका जो पीछे है एक्स्ट्रा रखवा लीजिए बोल करके हमसे। आप लोगों का निपटेगा तभी फर्स्ट ईयर वालों का होगा ना सेमेस्टर एग्जाम। चलो, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा रह गया था। क्या क्वेश्चन था, जरा पढ़ेंगे क्या? दिखाइए कौन सा क्वेश्चन अधूरा था। CIJ CJI वाले में ना, प्रूव दैट अ सेट ऑफ एन क्यूब फंक्शंस AIJK, ये वाला क्वेश्चन लॉ में था ना। क्या प्रूफ करना था इसमें? BPIJ इज सिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए लिखिए, डालिए हेडलाइन सेकंड पार्ट, इसमें हेडलाइन डालिए सेकंड पार्ट। कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ BPIJ इज सिमेट्रिकल इन INJ। BPIJ I और J में अगर सिमेट्रिकल होगा तो क्या घटना घटित होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। डालिए इसमें सेकंड पार्ट, लिखिए सेकंड पार्ट में, लिखिए लेट BPIJ इज सिमेट्रिकल इन INJ। Let BPIJ is symmetrical in INJ. Then we have बताइए भाई क्या होगा। BPIJ symmetrical होगा तो BPIJ BPJI के बराबर होगा, है ना। लिख लीजिए इसको, डालिए इक्वेशन नंबर कैपिटल A। हो गया। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन में आपको दिया गया था AIJK BPIJ, पलट करके देखिए ये दिया हुआ है, इसी की वैल्यू CIJ के बराबर थी, सॉरी CPK के बराबर थी, ठीक है। अब इस पे काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू AIJK, BPIJ की जगह लिख रहे हैं BPJI, ठीक। दिस इंप्लाइज AIJK BPJI इज इक्वल टू IJ ऊपर IJ नीचे, डमी इंडेक्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, I की जगह J की जगह I, सिंस I, J आर डमी इंडेक्स, ठीक। कराइए, I की जगह J की जगह K, B
पी, जे की जगह आई, आई की जगह जे, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे के बी पी जे आई इज इक्वल टू ए जे आई के बी पी आई जे की जगह जे, ठीक है आकाश। फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, इधर शिफ्ट कर दीजिए सबको। दिस इम्प्लाइज ए आई जे के माइनस ए जे आई के, ये बाहर हो जाएगा, सेम है दोनों, राइट है तो राइट से बाहर करेंगे। बी पी जे आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया था ये आर्बिटेरी है, आर्बिटेरी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। सिंस बी पी जे आई इज एन आर्बिटेरी टेंसर, दिस इम्प्लाइज बी पी जे आई विल नेवर इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे के माइनस ए जे आई के इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे के इज इक्वल टू ए जे आई के। इसका क्या मतलब हुआ कि टेंसर ए आई और जे में सिमेट्रिक है, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे के इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे। तो अगर ये टेंसर सिमेट्रिक होगा तो ए आई जे के भी कैसा होगा, सिमेट्रिक, किस किस स्लॉट में, आई और जे में, ठीक है। उतारिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। अब आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी सेंटर की तरफ से, ठीक है। छठ का भी मन नहीं था लेकिन एकदम बच्चे जो है परेशान कर डाले, पता नहीं क्या मिल गया, एक दिन की छुट्टी सुबह करा करके, छुट्टी हाय छुट्टी हाय छुट्टी, अब छुट्टी उट्टी नहीं होगी। ठंड हो गर्मी, उस पर ठंड भी खूब पड़ेगी तो अपनी व्यवस्था लेकर के चलिएगा, ज़्यादा होगी तो 6:15 बजे से कोचिंग रखा जाएगा लेकिन क्लास चलेगी।
क्वेश्चन आप लोगों को और नहीं आ रहा था ना बीपी वाला, और कहते इम्पोर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है आप लोगों के पास, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए। लिखिए सिंस सिंस ए म्यू न्यू, ए म्यू न्यू, सिंस ए म्यू न्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, सॉल्यूशन बता रहे हैं ये, सिंस ए म्यू न्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, देयरफोर, ये जितने क्वेश्चंस हम आपको कराएं प्रॉब्लम सेट में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये बुक बुक में हो सकता है काज मिल जाए ना भी मिले, हमको नहीं पता है, लेकिन सारे तो नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो इसमें से मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पढ़ा रहे हैं, और कॉपी का दान थोड़ा कम करा करिए आप लोग, है ना, हर किसी को ले जाके कॉपी मत दे दिया करिए। जब हर किसी को दे देंगे तो आपकी कॉपी और सामने वाले की कॉपी में डिफरेंस क्या रहा, वो भी पढ़ रहा है आप भी पढ़ रहे हैं, उसका भी नंबर आएगा आपका भी नंबर आएगा, तो आपकी क्या स्पेशलिटी फिर रही। तो ठीक है, कॉपी का थोड़ा सा आदान प्रदान कम किया करिए, अपने तक रखिए, अपने नोट्स रखिए, है ना, कुछ अलग रहेगा तभी ना नंबर पाएंगे, सब बांट आएंगे दुनिया भर में तब क्या नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेट है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब होगा, माइनस ए म्यू न्यू, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। अब यहां देखिए, नाउ जो प्रूफ करना है उसको लेकर के चल रहे हैं, बी म्यू न्यू बी सिग्मा लैम्डा प्लस बी म्यू लैम्डा बी सिग्मा न्यू ए म्यू सिग्मा, ठीक है, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, बी म्यू न्यू बी सिग्मा डेल्टा ए म्यू सिग्मा प्लस बी म्यू लैम्डा बी सिग्मा न्यू ए म्यू सिग्मा, ठीक है। फिर देखिए, इज इक्वल टू बी म्यू न्यू बी न्यू लैम्डा ए म्यू सिग्मा, इसको देखिएगा, प्लस ये 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 डमी इंडेक्स है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, म्यू को सिग्मा से और सिग्मा को म्यू से, सिंस म्यू न्यू इज अ डमी इंडेक्स, इन किस टर्म में कर रहे हैं, सेकेंड टर्म, आगे लिख दिया करिए किस टर्म में कर रहे हैं, ठीक है, करिए, प्लस बी सिग्मा लैम्डा बी म्यू न्यू ए सिग्मा न्यू, ठीक। फिर देखिए, इज इक्वल टू ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई, बी
सिग्मा लेमडा, सिग्मा लेमडा इसको पहले कर रहे हैं, सिग्मा लेमडा इंटू बी म्यू न्यू ए न्यू सिग्मा प्लस बी सिग्मा लेमडा बी म्यू न्यू ए सिग्मा न्यू। ठीक, क्या किए हैं? कम्यूटेटिव लॉ इन फर्स्ट टर्म, कम्यूटेटिव लॉ इन फर्स्ट टर्म। ठीक, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, लेफ्ट से बी सिग्मा लैम्डा, सिग्मा लैम्डा बी म्यू न्यू, म्यू न्यू क्या बचेगा, ए म्यू सिग्मा माइनस सॉरी प्लस ए ठीक इज इक्वल टू बी न्यू लैम्डा बी म्यू न्यू ए म्यू न्यू। स्क्यू सिमेट्रिक है, चेंज करते ही कैसा साइन आएगा, माइनस, कट करके जीरो फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उतार लिया, ये इंपॉर्टेंट में था। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिए थे क्या, ए आर एस टी आर कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर ऑफ टाइप 1, 2 दिए थे। ठीक, कल 2 घंटे का क्लास है मेरा, 1 ही घंटे का, 1 घंटे का। Thank you.
लिखिए, टू प्रूव दैट क्रॉनिकर डेल्टा डेल आई जे, आई ऊपर जे नीचे, टू प्रूव दैट क्रॉनिकर डेल्टा डेल आई जे, आई ऊपर और जे नीचे, आर कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर, आर कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक टू। ये क्वेश्चन एक बार हम पहले भी कराए, क्रॉनिकर डेल्टा वाला, डेल आई जे, डेल बार आई जे को लेकर के चले थे इज इक्वल टू बार के साथ आई और जे लगाए थे, फिर डेल एक्स के का मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। अंतर क्या हुआ? इसमें कोशेंट लॉ लगेगा, बाय यूजिंग कोशेंट लॉ ऑफ रैंक टू, बाय यूजिंग कोशेंट लॉ, अगर एग्जामिनेशन में ये लिख करके आ रहा है कि आपको कोशेंट लॉ से करना है तो कोशेंट लॉ से ही करना होगा, ठीक है। और केवल नॉर्मल लिख करके आ रहा है तो जो पहले कराए थे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लॉ के लिए नेसेसिटी चीज़ें बताइए हमको क्या क्या होती है। अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट किससे लेते हैं? किसी भी आर्बिटेरी टेंसर से, जो मिलता है वो क्या होता है? टेंसर। तो अननोन क्वांटिटी भी क्या होगी? टेंसर। लिखिए, डालिए प्रूफ। लिखिए, लेट अस कंसीडर जरा सा देखिएगा किसको टेंसर प्रूफ करना है, क्रॉनिकर डेल्टा को। तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? अननोन लिख रहे हैं, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? अननोन। इसका क्या लेंगे? इनर प्रोडक्ट। किससे लेते हैं? आर्बिटेरी टेंसर। और जो हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखवाया था उसमें आर्बिटेरी वेक्टर लिए थे, UI, याद आ रहा है? तो इसका भी प्रोडक्ट हम किससे लेंगे? आर्बिटेरी वेक्टर से, ठीक है। चूंकि कॉन्ट्रैक्शन दिखना चाहिए इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जे नीचे है तो जे कहाँ लगाएंगे? ऊपर, ठीक है। देख लीजिए कितनी कितनी बातें आ गई। अननोन क्वांटिटी का हमने प्रोडक्ट लिया किससे? आर्बिटेरी वेक्टर। चूंकि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए इसलिए जे नीचे था तो जे कहाँ लगा दिए? ऊपर। जे से जे कटेगा तो क्या मिलेगा? यू आई। चूंकि ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर। तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि क्या है ये? टेंसर, ठीक है। केवल एक लाइन का खेला था, है ना। लिखिए, लेट अस कंसीडर यू टू द पावर के, मतलब यू के बी एनी आर्बिटेरी वेक्टर, बी एनी आर्बिटेरी वेक्टर, देन वी कैन राइट, देन वी कैन राइट, इक्वेशन नंबर वन लिखिए, हो गया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए। हाँ, यू के का मतलब क्या होता है? के की वैल्यू 1 to n, तो के की जगह कोई भी इंडेक्स लें, बस वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 to n, चाहे यूके हो, यूआई हो, यूजे हो, डजेंट मैटर। ये चीज़ कई जगह आई होगी कि हमने एआई लिखवाया होगा, नीचे एजे यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं होता है इसमें, बस इंडेक्स की वैल्यू एन डायमेंशन में कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1 to n, ठीक है। नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन,
फ्रॉम इक्वेशन वन इट इज क्लियर दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एन अननोन क्वांटिटी डेल आई जे विथ एन आर्बिटेरी कंट्रावेरियंट वेक्टर यूजे अननोन क्वांटिटी इनर प्रोडक्ट आर्बिटेरी वेक्टर इज अगेन अ टेंसर. कुछ गलत तो नहीं बोल दिए. इज अगेन अ टेंसर. ये बात अलग है कि यहाँ पे वो टेंसर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह, उससे हमको लेना देना नहीं. लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखवाया कि अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट जब भी आर्बिटेरी वेक्टर से लेंगे जो मिल रहा है, अगर वो टेंसर है तो कोशेंट लॉ से ये भी क्या हो जाएगा, टेंसर, जो अपने ऊपर लिखे गए इंडेक्स के रैंक के बराबर होगा. ठीक है. वेक्टर इज अगेन आ टेंसर. ब्रैकेट में लिखिए इन दिस केस इज अगेन अ कंट्रावेरियंट वेक्टर हो गया. नीचे से लिखिए देन बाय कोशेंट लॉ वी कैन से दैट डेल आई जे इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ रैंक टू ओ आर और ऑर्डर बोलिए कितना होगा, 1.1. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, छोटा सा है लेकिन सॉल्व नहीं होता है. बोले लिखिए इफ ए आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर एंड बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई देन शो दैट बी आई जे इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक टेंसर कराइए. देखिए क्या क्या दिया गया है. सबसे पहले तो आपको रिलेशन दिया गया कि ए आई जे कैसा है, सिमेट्रिक. अगर ए आई जे सिमेट्रिक होगा तो क्या लिखेंगे आप,
आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे, इक्वेशन नंबर वन. दूसरा ये रिलेशन दिया गया है कि बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इसको क्या मानेंगे, रिलेशन नंबर टू. सिद्ध क्या करना है कि बी आई जे कैसा होगा, सिमेट्रिक, मतलब बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई. लिखिए इतनी बातें पहले लिखिए. गिवन दैट ए आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, गिवन दैट ए आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, देन वी हैव इक्वेशन नंबर वन उतारिए. हो गया. फिर लिखिए, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट, इक्वेशन नंबर टू लिखिए. हो गया इक्वेशन टू. इन दोनों की जरा हेल्प लीजिए. दिस इंप्लाइज दैट बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे. दिस इंप्लाइज बी आई जे इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थ्री. लिखिए. हो गया. क्या दिखाना है हम लोग को, बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई. ये देखिए, बी आई जे दिया गया है, हाँ, इससे बी जे आई निकाल लेंगे. कैसे, आई की जगह जे, जे की जगह आई. लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव, इक्वेशन टू को लिखिए, बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. लिख लिया टू को, क्या करेंगे, आई और जे को इंटरचेंज. लिखिए, इंटरचेंजिंग आई एंड जे इन अबव, इंटरचेंजिंग आई एंड जे इन अबव कॉमा वी हैव, कराइए, बी जे आई इज इक्वल टू जे की जगह आई, आई की जगह जे, इक्वेशन नंबर फोर. हो गया. जरा तीन और चार को देखिए, दोनों का आरएचएस क्या है, सेम, एलएचएस भी क्या होगा, तो बी आई जे इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक. ठीक है, लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर एक्सक्यूज मी, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर कॉमा वी हैव, नीचे से लिखिए, बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई. हो गया. आगे लिख लीजिए, फॉर एवरी आई कॉमा जे, फॉर एवरी आई कॉमा जे, नीचे से लिखिए, हैंस बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, हैंस बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर
इन आई एंड जे हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना 10-12 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, है ना? 2-3 और बाकी है, बस कल खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 होमवर्क दे देंगे, एक आध कल बता देंगे, बस खत्म, है ना? लिखिए, इफ इफ ए आई जे यू आई यू जे आर इनवेरिएंट आर इनवेरिएंट कॉमा वेयर यू आई इज एन आर्बिटेरी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर वेयर यू आई इज एन आर्बिटेरी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर कॉमा ए आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर एंड ये कराई नहीं है ना, यू रो इज इक्वल टू ए रो प्लस बी रो, नहीं है ना? एंड यू रो इज इक्वल टू ए रो प्लस बी रो, देन शो दैट, नहीं कराए होंगे ये वाला भी, देन शो दैट ए आई जे कैपिटल ए आई कैपिटल बी जे इज एन इनवेरिएंट इज एन इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट है, ये रिलेशन है, तो इसको भी इनवेरिएंट क्या करना है, प्रूफ करना है, जबकि ये आर्बिटेरी टेंसर है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल टेंसर है। आर्बिटेरी की बस विशेषता इतनी होती है कि वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है? लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए सबसे स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको दिया गया है ए आई जे यू आई यू जे, ये कैसा है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट होने का मतलब बार वाला बिना बार वाले के बराबर होगा, वेरी गुड। नीचे से लिखिए, गिवन दैट ए आई जे डॉट यू आई यू जे ए आई जे डॉट यू आई यू जे is an invariant then we have लिखवाइए भाई, a bar i j u bar i u bar j is equal to a i j U I इक्वेशन नंबर फॉर एवरी I कॉमा J, लिखते चलिए साथ ही साथ। हो गया, जो प्रूफ करना है उसमें देखिए U नहीं है, उसमें कैपिटल A और कैपिटल B है, तो इसमें से भी U को हटाना पड़ेगा। U को हटाने के लिए ये रहा, है ना? नीचे से लिखिए, सिंस इट इज गिवन दैट Since it is given that U rho is equal to A rho plus B rho,
देन यूजिंग इट इन इक्वेशन वन, देन यूजिंग इट इन इक्वेशन वन कॉमा वी हैव, देखिए यहाँ पे ए बार आई जे, यू बार आई की जगह ए बार आई प्लस बी बार आई, देखिएगा कोई गलती हमसे ना हो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ए बार जे प्लस बी बार जे, ठीक है, इज इक्वल टू ए आई जे, यू आई की जगह ए आई प्लस ए जे प्लस, ठीक, फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसमें सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ए बार आई जे, ठीक, ए बार आई ए बार जे ए बार जे प्लस ए बार आई जे ए बार आई बी बार, अब इसका इसमें और इसमें प्लस ए बार आई जे बी बार आई ए बार जे प्लस ए बार आई जे बी बार आई, इसमें भी इसका इसमें और इसमें सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए आई जे ए आई ए जे प्लस ए आई जे ए आई प्लस, मिटा दे आगे वाला, बोलिए इसका इसका, ठीक है, दो टर्म लिखा गया ना, अब बोलिए ए आई जे बी आई प्लस ए आई जे बी, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, फिर देखिए आपसे कह रहा है देन शो दैट ए आई जे ए आई बी जे इज एन इनवेरियंट, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, जरा सा देखिएगा क्या दिया है, ए आई जे यू आई यू जे ये इनवेरियंट दिया था, है ना, ध्यान से समझिएगा, ये क्या दिया था, इनवेरियंट, उसके बाद कहा था कि ये आर्बिटेरी वेक्टर है, क्या है, आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, मेरे हिसाब से आर्बिटेरी को किसी अदर कंट्रावेरिएंट वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, तो अगर इसको हम रिप्लेस करें तो ए आई जे ए आई ए जे भी इनवेरिएंट होगा और ए आई जे बी आई बी जे भी क्या होगा, ए आई जे ए आई बी बी जे भी इनवेरिएंट होगा, ए आई जे ए आई बी जे भी इनवेरिएंट होगा, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, बात मेरी समझे, ये इनवेरिएंट है जिसमें ये आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट को किसी अदर कंट्रावेरिएंट से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, ठीक, लिखिए, ये हो गया यहाँ तक, नहीं सुनिए हम लिख दे रहे हैं पहले बाद में करिएगा, सिंस देखिए ए आई जे यू आई यू जे इज एन इनवेरिएंट एंड यू आई इज एन आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर,
ठीक ठीक है. दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे, ए आई ए जे एंड ए आई जे बी आई बी जे इज ऑल्सो इनवेरिएंट. ठीक, ये इनवेरिएंट होगा तो क्या मिलेगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे, ए बार आई ए बार जे इज इक्वल टू ए आई जे ए आई ए जे. क्यों, एंड ये इनवेरिएंट है तो क्या मिलेगा. ए बार आई जे बी बार आई बी बार जे इज इक्वल टू ए आई जे बी आई बी जे. ठीक, फॉर एवरी आई जे, फॉर एवरी आई जे इसको नाम दे रहे हैं. कितना हुआ इक्वेशन, एक ही हुआ है ना, तीन चार, इसको नाम दे रहे हैं टू. ठीक, अब जरा इसका इस्तेमाल देखिए. यहाँ पे कौन कौन भाई साहब कटे पिटेंगे, सेम वाले कट जाएंगे. ए बार आई जे ए आर आई ए बार जे ए आई जे ए आई ए जे, ये वाला इस वाले से कटेगा, सेम वाला सेम वाले से कटेगा. ठीक, यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, इन इक्वेशन टू कॉमा वी गेट. जैसे आप इस्तेमाल करोगे, मेरे हिसाब से केवल ये उधर का दो टर्म बचेगा. क्या आएगा, ए बार आई जे ए बार आई बी बार जे प्लस ए बार आई जे बी बार आई इज इक्वल टू ए आई जे ए आई ए जे प्लस ए आई जे बी जे प्लस ए आई जे ए बी आई ए जे. सर को नाश्ता कराइए गुप्ता जी, मैडम को रोकिए, गा रहे हैं.